हेलो गाइस, दिस इज आनंद हेयर और मैं आज बात करने जा रहा हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियोज़ है, पता नहीं अगर कोई गलती हो तो बताने जा रहा हूँ कि आप जिस तरीके से देख रहे हो यहाँ पे एन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ऑन द डिस्कनेक्टिंग एनी डिवाइस दैट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम प्लीज कंट्रोल अपडेट। तो इसका एरर का मैं आपको फुल सोल्यूशन बताऊँगा क्योंकि आप मेरी पूरी वीडियो में देखोगे, तो आप ध्यान से देखिएगा मेरी पूरी वीडियो। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हम इसके अंदर ये चीज़ एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है बूट करने के लिए, या तो आपके पास ड्राइव हो सीडी की, सीडी डीवीडी विंडोज 7 हो, एक्सपी हो, या 8 हो, कोई सी भी हो, तो आप उसको बूटेबल कर लीजिए। बूटेबल करने के बाद इसमें आप ऐड कर लेना डीवीडी से या फिर पेन ड्राइव। मैंने पेन ड्राइव बूटेबल बना रखी है, आप देख सकते हैं पेन ड्राइव है। मैं इसको कनेक्ट करूँगा सिस्टम के साथ, इस लैपटॉप के साथ, और देख सकते हो यहाँ पर डिवाइस है मैंने। ये देखो लगा दिया मैंने। अब लगाने के बाद क्या है, मुझे कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये कनेक्ट हो, तो आप देखिएगा इसको एक बार रिसेटिंग है, आप देखिएगा इसको बंद करके दोबारा चालू करते हैं। इसको मैंने बंद कर दिया यहाँ से, दोबारा चालू करेंगे। अब वो देखना ये कि ऐसा आ जाए तो आपको एंटर मार दें, तारा आप मना कर रहा है तो आप उसको रिस्टार्ट कर लो दोबारा। अगर नहीं होगा तो आप रिस्टार्ट कर लो। रिस्टार्ट करने के लिए आपको कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट दबाना होगा। मैं यहाँ से यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल आल्ट प्लस यहाँ का डिलीट, तो आपको इन चीज़ों को दबाना है। अगर तब भी ना हो तो आप जाके बैकग्राउंड में बैक पैनल ओपन करेंगे, और बैक पैनल ओपन करने के बाद एक बार रैम स्लॉट को निकाल के रैम साफ़ कर देंगे, और उसके बाद हार्ड ड्राइव निकाल के आप हार्ड ड्राइव को दोबारा लगा देंगे। निकाल के दोबारा लगाना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद आप निकाल के दोबारा लगाने के बाद पावर को ऑन कीजिए लैपटॉप को, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप। और देख सकते हो ये दोबारा आ रहा है, तो एक बार आप बूट कर लो जाकर, बायोस में जाओ उसको रीसेट करके। बायोस के लिए हर किसी के अंदर अलग अलग होता है, किसी में F8, किसी में F9, किसी में F12, किसी में F10, किसी में F2, किसी में F1, किसी में डिलीट। तो ये सब का ध्यान रखना, और बायोस में जाएंगे हम, अभी देखता हूँ मैं बताता हूँ कैसे होगा। उसके अंदर F2 दबाएंगे, तो देखो बायोस में आ गया। उसके बाद हम बुक करेंगे, तो आप देखो इसके अंदर उसका उतर आए यहाँ पर बुट है, ऐसा कुछ कॉपी कर रखा है पहले से ही, ठीक है। अनेबल करना होता है इसको, आपने अगर आपके इसके अंदर रिसीवेबल हो तो आप उसको अनेबल कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से करना शेव। अब मैं इसके अंदर F10 दबाऊंगा तो शेव कर देगा। दिखा रहा है अभी, मतलब पेन ड्राइव की बूटेबल बूट नहीं हुई है, ना डीवीडी बूट होगा, तो जो भी आप लगा वो बूट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कुछ समय तक हम वेट कर लेंगे, उसके बाद बूट करेंगे। मैंने दोबारा रिसेट किया इसको, और देखो अब ये दिक्कत करा, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद अब देखो ये आ गया एंटर मार रहा, दिक्कत कर रहा है बूट नहीं, उसका मतलब है कि अभी पेन ड्राइव प्रॉपर जगह से बूट नहीं है, आप उसको दोबारा सेट कर लेना। और देखेगा मैंने यहाँ पे दूसरी पेन ड्राइव लगा दी है, उसको कुछ समय तक रखूँगा जिससे कि बूटेबल हो जाए। बूट हो गया, ये बूट हो रहा है, अभी ऐसे उतर आएगा बस। और देखो कि ये स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे उसको, यहाँ से करेंगे शिफ्ट ऑल। थोड़ा समय लेगा ये मिनिमम 2 मिनट समथिंग, आप देखोगे अगर इसके अंदर आपको जो करना है आप आराम से कर लीजिए। नॉर्मली फोकस में डालना, फोकस में डाल दो इसका मतलब होता है सब कुछ कनेक्ट कर दूँगा।
उसके बाद कस्टमर आते हैं प्राइस है फॉरन मार्केट अगर आपका डाटा है तो आप फॉर्मेट नाम वाले कर बैठे तो आपका डाटा बन जाएगा तो मतलब उसके मार्केट जाएगी जाएगी पहले अपने डाटा को आप सेव कर लीजिए फिर दूसरे टाइम में उसके बाद फॉर्म आना पार्टी में डिलीट करके रजिस्टर पार्टी से लेना तो आप पार्टी में डिलीट कर सकते हैं बट मुझे पार्टी में डिलीट नहीं करना मैं फिर फॉरन मार्केट में सब लोग करेंगे फॉर्मल मार दिया है उसके बाद आपका मैं करूँगा गाइस प्लीज सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मैं आपका बीच बीच में कुछ नई नई वीडियो डालता रहूँगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐप से रिलेटेड प्लस में लैपटॉप एंड डेस्कटॉप से रिलेटेड थैंक यू और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके